दिवाली पर हिंदुओं ने चीन की लगाई वाट। चीन का हुआ दिवाली पर कई लाख करोड़ का नुकसान। चीन हुआ बेरोजगार। भारत के सामने फैलाने लगा कटोरा। भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। दिवाली पर भारत को दिया गिफ्ट, एक ही बार में 36 सैटेलाइट। चीन और अमेरिका हुए हैरान। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार कोरोना के बाद से अभी तक उभर रही अर्थव्यवस्था के लिए नई खुशियां लेकर आया। हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार पर देशवासियों ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए खरीदारी की। सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि देश के लिए खरीदारी की, यानी चीनी सामानों का भी बहिष्कार करते हुए खरीदारी की। दिवाली के अवसर पर भारतवासियों ने चीन को एक नहीं बल्कि दो दो तरीकों से झटका दिया। चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ चीन की गिरती अर्थव्यवस्था पर चोट तो हुई ही, साथ ही देश के कारोबारियों का भारी फायदा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के मौके पर देश में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सनातनी त्यौहार केवल त्यौहार नहीं है, ये तो देश की अर्थव्यवस्था को और ऊंची उड़ान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि इस बात को सिद्ध करने वाला नवीनतम उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत है। जी हाँ, अमीर हो या गरीब, या फिर मिडिल क्लास परिवार का साधारण सा घर, सनातनी त्यौहारों में हर जगह उत्सव का वातावरण होता है। विशेषकर दीपावली जैसे बड़े पर्व की बात करें तब तो क्या ही कहने। खुलकर खर्च करना, बाजारों में बाहर और हर ओर हर्षोल्लास दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सनातनी त्यौहार और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, तो यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि दीपावली से पहले धनतेरस आता है, और इस बार तो 2-3 दिन शनिवार और रविवार को धनतेरस था। ऐसे में हर्षोल्लास से भरे लोगों ने तो जमकर खरीदारी की है। धनतेरस को सोना और चांदी खरीदने को शुभ माना गया है, लेकिन बहुत महंगा होने के बाद भी लोगों ने धनतेरस पर खूब सोना खरीदा। 2 साल से बाजार पर कोरोना का प्रकोप था, लेकिन 2022 की दीपावली ने 2 साल की कसर पूरी कर दी। लोगों ने कितनी ताबड़तोड़ खरीदारी की है, इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स यानी CATI के महामंत्री हैं प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने इस बारे में कहा है कि इस बार दिवाली पर ज़बरदस्त उत्साह है। CAIT के अनुमान पर ध्यान दें तो इस दौरान लगभग 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सामान बेचे गए हैं। 2 दिनों में केवल ज्वेलरी ही 25,000 करोड़ रुपए की बेची गई है। बाकी ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और फर्नीचर से जुड़ी चीज़ें, फर्नीचर, घर और ऑफिस के लिए सजावटी संबंधी वस्तुएं, मिठाई, नमकीन, किचन संबंधी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल जैसे सामान 20,000 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। ये तो हो गई धनतेरस की बात, लेकिन ध्यान इस ओर भी देना होगा कि दीपावली के दिन पूजा संबंधी सामग्रियों और सजावट के लिए खरीदे गए सामान और बिजली के उपकरण, स्टेशनरी, बिल्डर हार्डवेयर, लकड़ी में भी अच्छा बिजनेस हुआ है। त्योहारी सीजन दीपावली में व्यापार की बात होती है तो चीन भी बीच में टपक ही पड़ता है और अपना भारी भरकम लाभ करवा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार चीन को 75,000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। CAIT ने कहा है कि इस बार लोग बाजारों में भारतीय सामान खरीदने को ही प्रमुखता दे रहे हैं। ऐसे में चीन के सामानों की बिक्री को धक्का तो लगेगा ही, और इस तरह चीन को इस साल देश के सबसे बड़े त्यौहार में 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का झटका लगा है। आपको बता दें, पहले इन्हीं सामानों में चीनी वस्तुओं का भंडार होता था, बाजार सिर्फ चीनी वस्तुओं से ही भरा रहता था। लेकिन गलवान घाटी में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प के बाद से ही CAIT ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत ने चीन को 50,000 करोड़ रुपए का झटका दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई केवल 2022 की दीपावली की बात, लेकिन अगर बात पिछली दीपावली की करें तो CAIT ने बताया था कि पिछली दीपावली के व्यापार के आंकड़ों ने दीपावली पर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 70 मिलियन व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये संस्था, इसने कहा है कि 2022 की अविश्वसनीय दीपावली बिक्री से पिछले 2 साल में जारी आर्थिक मंदी तक समाप्त की ओर है। पिछले साल भी चीन को दीपावली पर एक बड़ा नुकसान देखने को मिला था, और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। सनातनी त्योहारों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था हिलोरे मारने लगती है। सनातन धर्म ने एक ऐसा चक्र बनाया है
जिसमें एक अमीर से लेकर कम अमीर और गरीब परिवार भी त्यौहार धूमधाम से मनाता है, और कैसे हम हिंदुओं ने अकेले अपने दम पर चीन का हुक्का पानी रोक दिया है, और अगर हम चाहें तो ऐसे ही हम चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, जिससे वो आगे आने वाले समय में हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और इस बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, नया भारत हर रोज़ एक नई कहानी लिखता जा रहा है। आज आप देखेंगे कि भारत हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। बात अंतरिक्ष की करें तो भारत ने इसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिनों दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नई उपलब्धियों पर नए मुकाम पर हासिल करता जा रहा है। राकेश शर्मा द्वारा देश का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने से लेकर पहले प्रयास में ही मिशन मंगल की सफलता से अंतरिक्ष के क्षेत्र भारत ने कई कामयाबियां हासिल की है। इसी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचने वाला काम किया है। बीते दिनों इसरो के द्वारा रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई गई। एजेंसी ने अपने सबसे भारी रॉकेट का प्रयोग करते हुए 36 सैटेलाइट्स उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया। इसरो का रॉकेट LVM3 एक निजी संचार फर्म वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लेकर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। जियो सिंक्रोसस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV MK3, जिसे अब LVM3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है, इसको भारत का सबसे भारी रॉकेट माना जाता है, और यही 23 अक्टूबर की रात 12:07 पर 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 23 अक्टूबर आधी रात को जब श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर में आधी रात को उपग्रहों की लॉन्चिंग होनी थी, तो इसरो के वैज्ञानिक चिंता में थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत का सबसे भारी रॉकेट अपने कॉमर्शियल मिशन के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ये मिशन वन वेब के 36 सैटेलाइट के साथ सबसे भारी पेलोड ले गया है। 5,796 किलोग्राम पेलोड ले जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बना। दोस्तों, आपको बता दें कि LVM3M2 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 644 टन वजनी है। देखा जाए तो इसकी क्षमता 8,000 किलो वजन ले जाने की है। इसरो के अनुसार इस मिशन में वन वेब के 5,796 किलोग्राम वजन के 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। देखा जाए तो इस रॉकेट का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। इसकी सहायता से अब तक 4 लॉन्चिंग हुई है और सारी की सारी सफल रही है, और ये इसकी 5वीं लॉन्चिंग है। इससे पहले रॉकेट से चंद्रयान 2, 2018 में GSAT-2, 2017 में GSAT-1 और 2014 में क्रू मॉड्यूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट लेकर जाए गए हैं। देखा जाए तो ये सभी मिशन भारत सरकार से जुड़े हुए थे। दोस्तों, साल 1979 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि 7 अगस्त 2022 तक इसरो ने कुल 84 स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें कि दोस्तों 67 मिशन सफल रहे, तो वहीं 5 में आधी से ज़्यादा सफलता इसरो को मिली है। इस समय पूरी दुनिया हमें बड़े गर्व से देखती है। आज भारत का इसरो अमेरिका, रूस और चीन को टक्कर देता है, और दुनिया में सारे देश अब हमें सम्मान से देखते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।